पहली बार दर्शन में आई है इसी बहाने आज मेरी तरफ से और मेरे चैनल के द्वारा आरोगा अच्छा हो गया खेल करने के लिए। गेट के बाहर गई मैं जा रही हूँ घर के और पीछे पीछे फ्रेंड यहाँ पर पुलिस वाले जी हेलो जी और यहाँ पर ये चुनी जाल ली है अभी सो फ्रेंड गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। तो दोस्तों आज है एकादशी के बाद जो है आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि आज है तुलसी माता का उद्यापन। तो तुलसी माता का उद्यापन आज और कल जैसे एकादश होता है उसके बाद शुरू कर देते हैं इसका। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आरू घंटी बजाते हुए और भजन का गुणगान करते हुए। लड्डू कहाँ ले जा रहा है कहाँ ले जा रहे हैं उसको इधर उधर वो भाग आ गया। सो फ्रेंड ये है पुजारी तुलसी माता की भक्त और देख सकते हैं आप तुलसी माता का उद्यापन हो चुका है यहाँ पे। इसने पहले कर दिया था लेकिन मेरे को बताया नहीं कि मैं बाहर जा रही हूँ मंदिर के पास। तो दोस्तों फिर भी मैं टाइम से पहुँच गया और अब देख सकते हैं आप यहाँ पे रीति रिवाज और पहाड़ी कल्चर के हिसाब से ये तुलसी का उद्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हर टाइम पंडित जी का काम होता है मतलब अपने अपने जो अपने अपने जजमानों के वहाँ जाके तुलसी का उद्यापन करना। कभी कभार तो आते हैं पर ज़्यादातर वो अभी कहीं इधर उधर ही होंगे। और देख सकते हैं आरू कहाँ गई है डंडी लेके। आरू आरू मैं गया टिटीट टिटीट ए ए ए ए भैया है भैया 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 आजा 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 आजा। तो दोस्तों ये दादू को बुलाने के लिए जा रही है वहाँ घंटी लेके। तो दिखाते हैं अभी थोड़ी देर बाद और ये है ध्रुव। तो देख सकते हैं आप लोग ये इन दोनों की जोड़ी बुबू को दे दे। सो फ्रेंड यहाँ पर ध्रुवी अब बोलने लग गया है धीरे धीरे और साथ में उसके लड्डू पहुंच चुकी है उसके साथ खेल करने के लिए। तो इन दोनों की जोड़ी कमाल की उड़की है भैया बराबर दिख रहे हैं। बिल जमा करने के लिए और देख सकते हैं आप ये है पिथौरागढ़ संस्थान। यहाँ पर काफ़ी अच्छा वाटर टेवर का बोर्ड भी लगा हुआ था अभी पीछे और अभी फिलहाल तो नहीं है। और लड्डू भी आज पहली बार दर्शन स्थान में आई है इसी बहाने हम लोगों के साथ। तो दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको पिथौरागढ़ के लोकेशन यानी कि बहुत बार आप लोगों ने देख लिया हुआ है इस लोकेशन को लेकिन आज मेरी तरफ से और मेरे चैनल के द्वारा आप लोग पिथौरागढ़ की जनसंख्या का यानी कि आप लोग ये तो एक साइड है वन साइड है मतलब देख सकते हैं आप। ये है उल्का देवी मंदिर ये जो है चंडाक में काफ़ी अच्छी दो क्या तीन तीन टावर लगा रखे हैं। दोस्तों ये है पिथौरागढ़ शहर और दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप हर किसी के घर में ऐसे देख सकते हो कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड हम लोग पहुँच चुके हैं घर में
बकरी हमारी, यानी कि बकरी ने एक छोटी सी बेबी बकरी को जन्म दिया था अभी दो तीन दिन पहले, और उसको मैं दिखाऊंगा अभी। ये देखो कैसे सोई है, उठो 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 उठो। ये देखो लड्डू आरू का अच्छा हो गया खेल करने के लिए। क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मुझे ना खपा ले लेंगे। और ये गई मुर्गी के पास, और ये आ गया मेरे पास। ले 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 ले। ले 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 ले। तो दोस्तों ये है सुल्तान, और इसमें एक और इजाफा हो चुका है अपने घर में, देख सकते हैं आप। ये आया एक और नया बकरा यानी खस्सी, ये अभी दो तीन दिन पहले आ रखा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे उसकी मम्मी गेट के बाहर गई, मैं जा रही हूँ घर के, और पीछे पीछे रो के दौड़ के चली गई गेट खोलने के लिए। और दोस्तों एक मेन चीज़ आज एक आपको बताना चाहता हूँ, आज दोनों ने पिंक कलर पहन रखा है, पता नहीं क्या राज है इन दोनों का, कुछ ना कुछ तो राज है इन दोनों का। आज पता नहीं चल रहा है, आज मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है, और इसमें भीड़ इतनी तेज हो रही है, और यहाँ पे ये चुनी जाल ली है अभी। इधर देख इधर देख देख, हाय कर दे, हाय बोल दे, हाय बोल। सो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफी तादाद में भीड़ आज रखी है पिथौरागढ़ में। आज पुलिस वालों का चालान भी ज्यादा हो गया। आरु देखो बाबा, ये दोनों चले गए सारे आगे, अब हम कैसे जाएं इनके साथ साथ। तो दोस्तों इस रूट से जाना है अभी हमने, ये निकलता है सीधे सिनेमा लाइन, वैसे शॉर्टकट जाते हैं। आज सामान भी हमारे नीचे रह गया, और ये है हमारी स्कूटी यानी कि हमारी धन्नु। तो दोस्तों अब हम चलाते हैं गाड़ी और करेंगे ब्लॉगिंग बाद में। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, जैसे ही आज बैग पैक होने वाला है, तो यहाँ पर लड्डू को देखो ये पैकिंग करने नहीं दे रही है बार बार। अच्छा अच्छा जम जम, मैं मुखले रहूँ ना तस्वर वाली आया, तो मैं मुँह के सामने रहूँगा तो ये ऐसा ही करेगी है, इसलिए मैं चला किचन की तरफ, क्योंकि मैंने बना रखा है आज तगड़ा वाला भांग का नमक, जो कि पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करना काम है, क्योंकि आज लगभग छुट्टी पूरी हो गई है मेरी, तो कल मॉर्निंग में मैं निकलूँगा यहाँ से। वैसे तो मैंने 15 तारीख को जाना था, लेकिन अब क्या करें, मैंने 14 तारीख को यहाँ से हल्द्वानी जाना है, क्योंकि मेरी साली लोग वहाँ पर चले गए हैं अंदर रहने के लिए अपने घर में, क्योंकि मेरी साली लोगों ने हल्द्वानी बना लिया था घर, तो उनके वहाँ जाऊँगा, क्योंकि साली की जो मम्मी है मेरी मम्मी लगती है, तो उनको एडमिट किया गया था बरेली में, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने हर वक्त दुआ की मम्मी से, सॉरी
हर वक्त मैंने हर वक्त दुआ की मम्मी के लिए कि भगवान मम्मी को जल्दी से ठीक कर देना और सही सलामत घर में वापस कर लेके आना। दोस्तों दिक्कत ये है ना कि जो हमारी साली है पूजा, उसकी सास बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उनको बरेली शिफ्ट किया गया था, मतलब एडमिट किया गया था ताकि जल्दी से रिकवर किया जाए, मतलब करे वो। तो दोस्तों अभी कल भी पता चला हमें शाम को कि उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो चुकी है, थोड़ा सा खाना पीना हल्का हल्का, नाश्ता हल्का हल्का, रोटी खाने लग गई है जो भी। और उसके बाद डॉक्टर का कहना ये था कि वो लोग क्या पता डिस्चार्ज हो सकते हैं कल तक, यानी कि 14 तारीख या 15 तारीख। तो मैंने जाना था 15 तारीख को अपने ड्यूटी पे, लेकिन मैंने उससे पहले ये सोचा कि कई दिन से मैं ये सोच रहा था कि हल्द्वानी जाऊंगा खबर करने के लिए मम्मी की, लेकिन क्या करें, पता ही आप लोगों को पहुँच गई जो छुट्टी होती है दोस्तों, वो गिनती सी होती है, 1, 2, 3 ऐसे करके हर दिन गिनती हो जाती है क्योंकि हर दिन कम होते जाता है। और दूसरी बात यह है कि आरिका बेबी यहाँ पर रहती कहाँ है, मतलब यार इधर उधर कहीं नहीं रहती, हर वक्त पापा पापा चिल्लाती रहती है, वो रोती रहती है, बस पापा का हाथ पकड़ लो, पापा का हाथ पकड़ लो, बस चल दो घूमने जाओ कहीं जाओ, इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया उसको। और दूसरी बात ये भी है ना कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, क्या बोलते हैं मायके में, क्योंकि वाइफ और आरिका यहीं पर है, क्योंकि मम्मी लोग गए हैं यहाँ से, मतलब मेरी सास और ससुर जो गए हैं वो गए हैं हल्द्वानी, तो यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए जो मेरा साला है वो अकेला रहेगा करके हम दोनों भी यहीं आ गए थे। तो अब मैं तो चले जाऊँगा ड्यूटी पे, तो जो हाँ दिशु है वो और आरिका यहीं रहेंगे मेरे साले के साथ जब तक मम्मी लोग नहीं आ जाते, तो मैं चले जाऊँगा कल। तो मेरे जाने के बाद देख सकते हैं आप इसका क्या होगा, बुली ये बुली ये बुली। अच्छा 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 ओ नहीं 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 बस पापा की परी है, पापा की परी ना, पापा की परी। ये देखो ये कौन बोल रहा है, देखो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स क्या बोल रहे हैं बाबा, देख देखो हाय कर दो उनके लिए, हाय कर दो, हाय हाय। देखा देखो दोस्तों आरे का भी हाय बोलने लग गया आप लोगों को। तो दोस्तों बच्चे के लिए प्यार के लिए और इसको दुआएं देना दोस्तों, प्यार देना इसको। और दोस्तों कई दिन हो गए हैं ब्लॉग सही टाइम से नहीं अपलोड हो पा रही है क्योंकि नेट का काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रहा है कभी कभार, क्योंकि कभी कभार नेट स्लो चल जा रहा है तो उसकी वजह से भी अपलोडिंग सही टाइम से नहीं हो पा रही है, तो नाराज़ मत होना। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा पहले अपलोडिंग डालने के लिए, और दिशु भी हुई टाइम से अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल की जो वीडियो होने वाली है ना वो दोस्तों काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि कल जाऊंगा मैं सफ़र में, तो आपको पल पल की वीडियो और पल पल की खबर बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के एक नए और एक नए वीडियो पे, एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए।